तो हेलो गाइस, आई होप आपको उन्मुक्त का डे वन वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने नहीं अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले डे वन वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा। आज है उन्मुक्त का डे सेकंड और आज होने वाली है 10 AM टू 10 PM तक एक्टिविटीज और 7:30 टू 10 तक होने वाला है भाई डीजे नाइट जो सबसे मस्त होने वाला है। और आज मैं पहले रेडी हो चुका हूँ, अभी जल्दी चलते हैं क्या कुछ हो रहा है कैंपस के अंदर। तो गाइज आज की पहली एक्टिविटी क्लब कार्निवल होने वाली है जो हम तो गाइज अभी हम यहाँ सेमिनार हॉल के पास पहुँच गए हैं। अब अंदर परफॉर्मेंस हो रही है तो अब अंदर चल के देखते हैं। और यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे है ना स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्म कर रहे हैं। मैं थोड़ा लेट पहुँचा हूँ, अभी बस 10 to 15 मिनट ही बची है इसको खत्म होने में। और स्पीकर की लाल पीली कॉलेज बिल्डिंग में अजीब ग्रीन यूनिवर्सिटी मैं टॉयलेट पेपर आपका बॉयज वॉशरूम में स्वागत करती हूँ। इस वॉशरूम में 8 डिस्टर्बिंग स्टॉल्स हैं, 4 गाय की तरफ नहाने के लिए और 4 बाय की तरफ बहाने के लिए। अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बिल्कुल स्टैंड अप कॉमेडी जैसा था, लाइक उन्होंने कॉमेडी बनाई है, बहुत प्यारा था। अब जल्दी चलते हैं हिंज पे। तो अभी हम हिंज पे पहुंच चुके हैं, आगे फिर ये हमारा सेकंड डे ऑफ रिक्लेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन का चल रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन रखा हुआ और यहाँ पे हमारी प्रीएम्बल प्रिंटिंग प्रिंट हो रही है। यहाँ पे ये देखो प्रीएम्बल प्रिंटेड शर्ट और ये बैग्स मिल रहे हैं। सुनील भाऊ यहाँ पे बैठे हुए हैं और उस साइड वहाँ पे जाके देखते हैं अभी क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ एक्टिविटी है, वहाँ से उनसे पूछते हैं क्या कुछ हो रहा है। दोस्त यहाँ पे बताएगा, गेम्स हो रहे हैं। अभी हमारी अनीशा जी कहानी सुनाने वाली है, 3 वर्ड्स को मिला कहानी, मतलब क्या कुछ है कहानी। ये देखिए, ये हमारा प्यार का पंचनामा 2 कार्तिक आर्यन निकला, दूसरे में कोहिनूर निकला है, तीसरे में ट्रेन निकला है। अब अनीशा जी कहानी सुनाएंगे इन तीनों चीट्स को मिलाकर। अच्छा, मतलब इस चीट इनमें से 3 चीट्स उठानी है और जो 3 मिलती है वो खानी। हाँ तो सुनाओ, जैसे 30 बार खान मूवी में ट्रेन में वो लेके जाते हैं ना भाई, अगर कैरेक्टर नहीं पता बिल्कुल, तो वो ट्रेन है ये, उसमें कोहिनूर था, ठीक है, कोहिनूर लोगों ने छुड़ा लिया, फिर आया कार्तिक आर्यन, उसका कोहिनूर से बहुत प्यार था, उसने उसको पंच कर दिया। और दूसरा यहाँ पे क्या है, चाइनीज विस्पर एंड लेमन स्पून रेस। तो अभी यहाँ पे ये स्पून लेमन रेस होने वाली है। कम 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 उसका पहली, अरे रे 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 रे, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से सर, अरे तू तो हमेशा ही हारती है रे। फ्रेंड्स अभी हमने लेमन स्पून रेस देख लिया था और रिक्लेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन वाला देख लिया। यहाँ पे शाम को रैंप वॉक होने वाली है और मैं और संतोष अभी यहाँ पे देखने जा रहे हैं, हमारे एक फ्रेंड का स्टॉल लगा हुआ है वो देख। वी आर गोइंग टुवर्ड्स वन ऑफ माय फ्रेंड्स स्टॉल देयर, सो लेट्स गो। ये हमारी फ्रेंड हरिनी ने अपनी स्टॉल लगा रखी है जिसमें उसने अपने हाथ से खुद के बनाए हुए डिजाइन है उनको प्रिंट करवा रखा है। भाई देख रही हो यार कितना प्यारा बना रखा है। ये सारे स्टिकर्स भाई ने खुद अपने हाथ से ड्रॉ किए हैं। और सो एपीयू इज द ओनली यूनिवर्सिटी व्हिच गिविंग फ्रीडम टू स्टूडेंट्स टू इंस्टॉल एनी स्टॉल एंड डू क्रिएटिव वर्क। अगर तुम अपना क्रिएटिव वर्क करते हो तो क्रिएटिव चीजें बना के यहाँ पे बेच भी सकते हो, अच्छी अच्छी कमाई भी कर सकते हो। और ये भाई हमारा लड़का एहसान, इसका स्टॉल है अभी, ये देखते हैं। एपीयू के एक भी बंदे के कोट तुम्हें फटे दिखे नहीं पड़ेगी क्योंकि ये भाई का जो स्टॉल है ना ये तगड़ा पीट को लिप बम देता है। ये देखो, ये देखिएगा 5 मिनट पहले ही संतोष के होंठ बिल्कुल फटे हुए थे। भाई ये मेरी फ्रेंड है हरियाणा से और इसने भी स्टोर लगा रखा है। कैचर्स हैं ये, आकांक्षा ने बनाया, ये सब क्रोशे, ये सब हैंडमेड है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है और सस्टेनेबल भी है। तो अभी हमने स्टोर देख ली थी और स्टोर देखने के बाद अभी हम चल रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं ओपन माइक देखने। कल ओपन माइक में मैं ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवाया तो आज दिखाता हूँ कि ओपन माइक में क्या कुछ होने वाला है। ये हमें 1.5 घंटे पहले लाके यहाँ बैठा दिया लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ है। ये अपने लोंडे मिल गए सारे पीछे, ये देख ये अपनी वाली से लगा हुआ है, उसको लगे रहने दो भाई, समझ रहे हो। अभी हमारा राजा भाई परफॉर्म करने वाला है, भाई देखते हैं। सांगला नाच रे, तेरी जीत तेरी हार में भाई। ये अक्का को कन्नड़ आती है बट लेकिन हिंदी में सॉन्ग परफॉर्म करने का ट्राई कर रही है। भाई देखो यार कितना प्यारा गा रही है मेरे भी। तो गाइस ये डांस परफॉर्मेंस के साथ कब तक जवानी छुपाऊंगी।
का वो आगे परफॉर्म कर रही है। ये हमारे ओपन माइक का आज का लास्ट परफॉर्मेंस था और ये देखिए भाई साहब सब लोग स्टेज पे आगे कैसे झूम रहे हैं। ये हमारा ओपन माइक खत्म हो गया है, ये भाई साहब ये हमारे गरीब आ गए हैं। तो हमने बहुत जबरदस्त डांस किया, डांस करने के बाद अब एनर्जी चाहिए कुछ। हमारे कैंपस ने हमारे लिए स्नैक्स अरेंज कर रखे हैं, तो अभी हम स्नैक्स लेंगे, सभी अपना कुप्पन लेके आ रहे हैं और संतोष सत्तू खाएगा। रहा नहीं जाता, ऐसा लग रहा है गरीबों की बस्ती में बहुत गरीब आ गए हैं। और ये क्या ले रहा है गाइस? मैं ये कॉमेडी का खून पी रहा हूँ, कॉमेडी का खून पी रहा है। अभी ठंडा होना चाहिए। चल भाई अब हम सब अपने अपने कूपन लेके आते हैं, कूपन देने के बाद यहाँ पे खाना मिलेगा। भाई सामने ये देखिए भाई, डीजे नाइट के लिए यहाँ पे सारा डेकोरेशन हो चुका है भाई साहब, क्या मस्त लग रहा है यार। यहाँ पे शाम को रैंप वॉक होने वाली है, वो देखेंगे, फिर उसके बाद अपना डीजे नाइट तो है ही। और भाई स्नैक्स और बीवरेज के लिए हमें कूपन मिले हैं यहाँ पे, सोप स्टॉल तो बहुत ज्यादा लगी हुई है खाना खाने वाले, लेकिन हम एक स्टॉल पे एक ही कूपन यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास दो स्टॉल हैं एक एक कूपन के लिए, वैसे 9 ही है, स्टॉल के हिसाब से हमें कूपन देने चाहिए थे। बात तो सही है, बहुत जोर से भूख लग रही है और मुझे लग रहा है देने भी कुछ वाले नहीं है, थोड़ा बहुत देंगे। पे भाई स्नैक्स मिल रहा है और यहाँ पे बीवरेज मिल रहा है। सुनना, ये बीवरेज की एक ही स्टॉल लगी हुई है क्या? चार है तो चार कूपन देने चाहिए था ना। बात तो सही है, बात नहीं है, तो अच्छा वाला कौन सी भी मिल रहा है। अच्छा सेम यही चीज है क्या? अरे फिर तो कोई नहीं, में निपटा रहे हो मतलब है भाई, भर के देना यार, आइए दिखाओ मत देना भैया, मेरा लास्ट ईयर मेरे को भर के देना। हाँ भाई मैं तो 2 दिन के लिए ही हूँ यहाँ पे यार, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ यार। भाई मुझे पता है तू अच्छा है, वो पागल था उसको कम दिया ना तूने, ठीक है समझ रहे हो, मेरे को देना ज्यादा। देख यार भर दे भाई प्लीज, देख थोड़ा सा ऊपर तक, थोड़ा सा थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा यार, अरे थोड़ा सा, एक और गिलास में डाल दे तो अच्छी बात है यार। गाइस भले ही थोड़ा दिया है बट लेकिन फिर भी यार टेस्टी तो है, सही में मजाक नहीं कर रहा, टेस्ट आ रहा है पीने में। और देख रहे हो ये सब कैसे भूखों की तरह टूट के पड़े हुए हैं बीवरेज पे। भाई यानस बहुत अच्छा लड़का है यार, देख मेरे लिए खाना लेके आया है, सही में यार बहुत अच्छा दोस्त है, मैं हेल्प करता हूँ तेरे खाने में। भाई का जमाना ही नहीं रहा, देखा यार मैं भूखा आदमी और देख कैसे गधे की तरह खा रहा है ये, मैं नहीं मानता। तो भाई अभी हमने देखो अपना खाना तो खा लिया है, और ये देखो एक अच्छे भारतीय नागरिक होने के नाते अब हमें अपना सब कुछ डस्टबिन में डाल रहे हैं। यार तुम भी डस्टबिन में डाला करो, खा के यहाँ वहाँ मत फेंका करो। नहीं चल रहे संध्या चलते हैं, अरे फेंक देने इसको यहीं पे। अभी हमने खाना वाना सब कुछ खा लिया है, अभी 7 रैंप वॉक होगा, तब तक के लिए कुछ नहीं है, तो अभी मिलते हैं आपसे डायरेक्ट रैंप वॉक पे। रितेश को जैसे ही पता लगा कि रैंप वॉक है तो ये तो ऐसे सज गया है जैसे किसी शादी अगले के लिए आ रहे हो। अभी यहाँ पे रैंप वॉक होने वाला है और पूरी भीड़ उसके लिए लगी हुई है, ये देखिएगा। गाइस प्लीज डू नॉट पुश द बैरिकेड्स। और इसके अंदर से अभी यहाँ पे चल के जाएंगे, पूरा रैंप बना रखा है भाई। हमारा दोस्त सूरज ठाकुर शोले की थीम पे रैंप वॉक कर रहा है, ठाकुर ये हाथ हमको दे दे, का गाना ही नहीं बजा रैंप वॉक करने आ गया। हमारा रैंप वो खत्म हो गया और अब हम जल्दी जाते हैं खाना खाते हैं, उसके बाद है डीजे नाइट, फिर मिलते हैं डीजे नाइट पे आपको। तो गाइज अभी डीजे नाइट स्टार्ट हो गया है और थोड़ा सा खाना खाने के बाद अभी हम चल रहे हैं डीजे नाइट पे और वहां जाके देखते हैं भाई कैसा क्या माहौल रहता है। तो गाइज अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, आप देख रहे हो यहाँ पे कितना मस्त डीजे नाइट चल रहा है, ये देखिए। We'll be right back.
गाइज अभी हमारा डीजे नाइट खत्म हो गया है। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल।